अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एशियन कुजीन मेलीज़ी में खुश आमदीद जी। नाज़रीन, आज मैंने ये आलू पकाए हैं, देखकर आप मुझे बताएं कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं। गैस के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि ऑयल, नमक के अलावा एक चीज़ और है जो मैंने इसमें ऐड की है, तो आप गैस करें कि मैंने इसके अंदर क्या शामिल किया है। मसाला जात में से ही है, तो देखने में क्या लग रहा है कि मैंने इसके अंदर क्या यूज़ किया। तो चलिए, ये सीक्रेट रेसिपी के अंदर ये मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए किचन में चलते हैं जी। नाज़रीन, यहाँ पर मैंने हाफ के जी आलू लिए हैं और उनको इस तरह स्लाइस में काट लें पतला पतला। एक चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें और दो से तीन खाने के चम्मच मैं ऑयल इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दो से तीन खाने के चम्मच ऑयल लूंगी मैं। अब इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल कर दूंगी। कवर कर दूंगी मैं इनको अच्छी तरह से ब्लैक कलर ताकि इनका आ जाए जी। नाज़रीन, साथ ही अब इसके फौरन से इसको कवर कर दें क्योंकि ये गले को बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसको भी अच्छी तरह से जला लेंगे जी। नाज़रीन, लाल मिर्चों का पाउडर भी अच्छी तरह से जल गया है, इसको बिल्कुल कवर रहने दें। आप बेशक इसको चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें, फिर आलू शामिल करें। अब इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक डालने के बाद इसको थोड़ा सा हिलाएं ताकि अभी थोड़े से फ्राई हो जाए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इनमें हाई फूड कम इन्ग्रीडियंट्स हैं। आप किसी के आगे ये पका कर रखें, उनसे बोले कि ये इसके जिन्हें बताएं, तो कभी भी वो आपको बता सकेंगे कि ये किस से आपने बनाया। ये सीक्रेट है इन आलुओं का। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इतना पानी डालें कि इसमें आलू अच्छे से गल जाएं। मैंने तकरीबन इसके अंदर हाफ कप पानी इस्तेमाल किया। अब इसको लो फ्लेम पे कवर कर दूंगी 8 से 10 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, आलू को चेक करते हैं। आलू का पानी तकरीबन खुश्क हो गया। थोड़ी सी आंच में तेज करूंगी ताकि ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। इस डिश का नाम नाज़रीन ब्लैक पेपर पोटैटो है, लेकिन इसमें ब्लैक पेपर नहीं इस्तेमाल की गई। ये डिश आप बना के खिलाएं अपने घर में, लेकिन उनको ये मत बताएं कि इसमें आपने इसको कैसे पकाया। आप उनसे पूछें कि बताएं ये किससे बनी है, तो वो यकीनन आपको ही कहेंगे कि इसमें ब्लैक पेपर इस्तेमाल की गई है, जो कि हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की। देखें, पाइस हो गया हमारे ब्लैक पेपर पोटैटो ऑलमोस्ट डन।
ये नाज़िन अब मैं स्टोव बंद कर दूँ। चलिए शॉप करते हैं। जी नाज़िन ब्लैक पेपर पोटैटो रेडी हैं, डिश आउट कर दिए मैंने। नहाई थी झटपट और मज़ेदार। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। उम्मीद करते हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। फीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।